वैशाली जिले के महनार प्रखंड के हसनपुर पलवैया में एक अति प्राचीन मंदिर है बाबा गणिनाथ का। गंगा किनारे लहरों से रूबरू करवाता यह मंदिर प्रकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति के दृष्टिकोण से अलौकिक है। हर साल भाद्र महीने के शनिवार को बाबा गणिनाथ मंदिर पलवैया में एक भव्य और विशाल मेला लगता है। पलवैया बिहार का वह स्थान है जहां बाबा गणिनाथ का जन्म हुआ था। यहां बाबा ने हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए अपना राज्य स्थापित किया और वहीं से मानवता का पाठ पूरे विश्व में प्रसारित और पूजित किया गया। भाद्र मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो भी शनिवार पड़ता है उस दिन बाबा गणिनाथ का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विशेष तौर पर हलवाई अथवा कांदू समाज या बोलचाल की भाषा में कहें तो कानू समाज के लोग बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। बाबा को भगवान शंकर का मानस रूप माना जाता है, यानी मानवीय रूप में भगवान शंकर के अवतार बाबा गणिनाथ कहे जाते हैं। विक्रम संवत के 1007 में श्री मनसाराम और उनकी पत्नी शिवा देवी के गर्भ से गणिनाथ बाबा का जन्म हुआ था। मुडला मांगता पर्वत पर भाद्रपद बदी अष्टमी शनिवार की सुबह में इनका जन्म हुआ था। शिशु गणिनाथ के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का दायित्व कांदू मध्यदेशीय वैश्य परिवार के मनसा राम को धर्म पिता के रूप में निर्वहन करना पड़ा था। योग्य होने पर गणिनाथ की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी, जहां अल्पकाल में ही वेद वेदांग में दक्षता उन्होंने प्राप्त कर ली थी। चतुर्दिक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ को गुरु ग्रहण करते हुए उनके सानिध्य में वर्षों तक बाबा गणिनाथ ने तप भी किया था। सिद्धियों पर अधिकार करने के बाद जब वापस बिहार के पलवैया में वो लौटे तब उन्होंने अपने गणराज्य की स्थापना कर समताप राज्य की स्थापना की। हिंदू राज्य जब पतन की ओर जा रहा था तो गणिनाथ बाबा ने हिंदुओं में स्वाभिमान भरा और हिंदू या सनातन संस्कृति की रक्षा की। महनार के पलवैया में बाबा गणिनाथ मंदिर और उस मंदिर की ओर से संरक्षित संस्कृत पाठशाला कुआं पोखर है। उन्होंने शांति के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया तथा वेदाध्ययन को ब्राह्मणों के चुंगल से मुक्त किया है। वंश वृक्ष स्मारिका के अनुसार कालांतर में बाबा गणिनाथ का विवाह झोटी श्याप की पुत्री क्षेमा सती से हुआ। उन्हें शिव का अवतार माना गया। विक्रम संवत 1112 अश्विन महीना नवरात्रि के अवसर पर आयोजित श्री राम जन्मोत्सव एवं शक्ति आराधना कार्यक्रम को संबोधन करने के उपरांत बाबा गणिनाथ ने अपना देह त्याग कर दिया। बाबा गणिनाथ का जन्म भाद्र महीने की अष्टमी को हुआ था और यह शनिवार था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो भी शनिवार आता है उस दिन बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बाबा गणिनाथ के साथ उनकी पत्नी क्षेमा सती और पुत्र एवं शिष्य बाबा गोविंद की भी पूजा की जाती है। ये तीनों प्रतिमाएं उनकी मंदिर में स्थापित है। पलवैया धाम में मेला लगता है, दुकानें सजती हैं। आर्थिक वैज्ञानिक नजरिए से सावन के बाद जहां हर जगह भद्रा मास का प्रभाव रहता है आर्थिक गतिविधियां रुकी रहती है, वहीं दूसरी तरफ पलवैया धाम में इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है और जमकर खरीदारियां होती हैं। गंगा अपने चरम पर होती है और प्राकृतिक परिवेश भी बेहद अनुकूल होता है। बाबा गणिनाथ की पूजा देश के कई राज्यों में होती है। मधेशिया बिरादरी के लोगों के इष्ट देव माने जाने वाले बाबा गणिनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। कमेंट में लिखिए जय बाबा गणिनाथ। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।